मनोवर यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। मनोवर, आज देखिए अब यूपी में कल से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। अगर जनता की बात करें तो अभी भी जगह जगह पर ओमिक्रॉन का खतरा तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत भारी संख्या में लोगों की भीड़ हर जगह देखने को मिलती है। देखिए मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में भी ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। इसके अलावा देश के 16 राज्य हैं कम से कम, और 350 से अधिक केस बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर लोगों की बात की जाए तो अभी उनके अंदर ओमिक्रॉन को लेकर किसी भी प्रकार की अवेयरनेस, जागरूकता नहीं दिखाई देती है। लोग सड़कों पर ही नहीं, तमाम बाजार, नुक्कड़, पब्लिक पैलेस सब जगह दिखाई देते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि विधानसभा चुनाव स्तर पर है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे नेता हैं, उन आयोजनों के लिए भीड़ जुटाने का काम करते हैं, गली मोहल्ले कस्बे गांव देहात सब जगह पहुंचते हैं। ऐसे में सबसे अहम ये है कि इस वक्त जिस तरीके से ओमिक्रॉन की दस्तक उत्तर प्रदेश या फिर देश में कह सकते हैं हो चुकी है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाव खासतौर से ओमिक्रॉन को बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि पारुल पूर्व में देखा गया था, जब पंचायत चुनाव थे तो कोरोना वायरस था और कोरोना वायरस ने पंचायत चुनाव में काफी परेशान किया। इसके अलावा बंगाल चुनाव था, ऐसे में दोनों चुनावों ने काफी हद तक लोगों को परेशान किया। बिल्कुल मनोवर, तस्वीर हर किसी ने देखी थी कि कहीं ना कहीं हर किसी ने यही कहा था कि कोरोना की जो सेकंड वेव आई थी वो इसीलिए आई थी क्योंकि जनसभाएं और रैलियां की गई थी और वहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे थे। और कुछ ऐसी तस्वीर मनोवर अब उत्तर प्रदेश से भी सामने आ रही है, बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही है, बड़ी बड़ी जनसभाएं की जा रही है और लाखों की संख्या में शामिल भी लोगों को किया जा रहा है। देखिए यही तो विडंबना है, उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन की दस्तक है लेकिन यहाँ होड़ मची है कि कौन कितनी पब्लिक जुटाएगा। जी हालांकि अब देखा यह भी जा रहा है कि हाईकोर्ट के जस्टिस ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग को लिखा है कि ये चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उनको कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए ओमिक्रॉन को देखते हुए। जी। और हो सकता है इस पर किसी प्रकार का स्टेप लिया जाए। ये भी कहा गया है कि जिसको प्रचार करना है वो टीवी और अखबार के माध्यम से कर ले, पब्लिक को इकट्ठा ना करे, ओमिक्रॉन से बचे। ऐसे में तमाम तरीके की तैयारियां प्रशासन भी कर रहा था लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि जो राजनीतिक रैलियां होती हैं उन पर सवाल खड़ा कर सके, उनको मना कर सके या अनुमति ना दे। बिल्कुल बिल्कुल मनोवर, और देखिए मनोवर जिस तरह से हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है, चुनाव आयोग से भी कहा है कि चुनाव को टालने के लिए कोशिश की जाए और जनसभाएं न की जाए, तो क्या लगता है कि ऐसा कुछ सरकार डिसीजन ले सकती है कि चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए या फिर जो बड़ी बड़ी रैलियां जनसभाएं हो रही हैं उनको अब कैंसिल कर दिया जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए पारुल, चूंकि पूर्व में एक एग्जाम्पल है कि जब चुनाव था बंगाल का और उत्तर प्रदेश में भी राज्य जो चुनाव था जिला पंचायत का, उसमें भी तरह तरह की बातें की गई थी, कहा गया था, लेकिन चुनाव स्थगित नहीं किया गया, चुनाव को कराकर ही दम लिया गया। लेकिन इस बार भी ये देखा जा रहा है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जगह जगह पहुंचते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, इसके अलावा तमाम मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है, विपक्षी पार्टियां सब लगे हुए हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि भले ही हाईकोर्ट के जस्टिस ने अपील की हो लेकिन देखा यह जा रहा है कि वर्तमान में किसी भी सूरत में इस चुनाव को स्थगित करने का मूड ना तो सरकार का है और ना ही सिस्टम का है। बिल्कुल बिल्कुल मनोवर, और देखिए बिल्कुल मनोवर, सभाएं स्थगित होंगी या रैलियां स्थगित होंगी या नहीं होंगी ये तो बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन शायद जिस तरह से हाईकोर्ट ने ये बात उठाई और ये अपील की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो शायद उसी को देखते हुए आज ये फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। लेकिन नाइट कर्फ्यू लगाने से ओमिक्रॉन के खतरा ना कम होगा और ना ही मामलों में कोई कमी आ सकती है? देखिए पारुल, नाइट कर्फ्यू की बात की जा रही है, नाइट कर्फ्यू मान लो ऊंट के मुंह में जीरा, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चूंकि नाइट कर्फ्यू रात के 11 बजे से माना जा रहा है, लेकिन 11 बजे चूंकि सर्दियों का मौसम है, 11 बजे कुछ सड़कों पर दिखाई नहीं देगा, 10 बजे ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। ऐसे में उस कर्फ्यू का क्या फायदा, दिन निकलते ही लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर आते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तरह तरह के आयोजन होते हैं, उनमें शामिल होते हैं, तो अगर ओमिक्रॉन की दस्तक होनी है उससे हो जाएगी। ऐसे में देखा ही जा रहा है कि इस नाइट कर्फ्यू से कोई हासिल नहीं होने वाला है।
बिल्कुल बिल्कुल मनोवर, और इसीलिए देखिए बड़ा सवाल ये है कि सरकार कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी दिखा रही है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमने नाइट कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन नाइट कर्फ्यू का देखिए फायदा तो कुछ नहीं होगा, रात के समय वैसे ही लोग नहीं निकलते, जब दिन के समय भारी संख्या में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, रैलियां दिन के समय में होती हैं, वहां लोग इकट्ठा होते हैं, उस समय क्यों कोई पाबंदी नहीं लगाई गई? नाइट कर्फ्यू से ही क्या सब कुछ हो जाएगा? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। देखिए मैं आपको बता दूं, दिन निकलने के बाद तमाम दफ्तर खुलते हैं, कोर्ट खुलते हैं और ऑफिस खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं। हालांकि हाई कोर्ट के जस्टिस ने जिस तरीके से लिखा है, एक बेल वो दे रहे थे, उस बेल में उन्होंने जो संख्या थी कैंपस के अंदर अधिवक्ताओं की, उसको देख करके लिखा है कि उन्होंने पीएम को लिखा है कि जिस तरीके से 300-400 एक अधिवक्ता बेल देने का काम करता है या सुनवाई करता है, 300-400 से 600 तक के अधिवक्ता वहां पहुंचते हैं और कोई सोशल डिस्टेंस नहीं होता, उसी को एग्जाम्पल बनाते हुए जो हाईकोर्ट के जस्टिस है उन्होंने पीएम मोदी को लिखा है, चुनाव आयोग को लिखा है, उसी प्रकार रैलियों के आयोजन हो रहे हैं, तमाम दफ्तर खुल रहे हैं, यहां तक कि अभी स्कूल भी खुल रहे हैं। ऐसे में अगर प्रशासन सख्त है तो केवल और केवल टीवी और मोबाइल और उसके अलावा अखबार में। अभी जमीन पर सख्ती नहीं दिखाई देती है, जो बाजार है खुले हैं, कोई सोशल डिस्टेंस, कोई मास्क नहीं है, किसी प्रकार की सड़कों पर पुलिस की सख्ती नहीं है। ऐसे में किस तरीके से बचा जाए और क्या उसका फायदा है जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगाने की बात की जा रही है? बिल्कुल मनोहर, और देखिए अब नाइट कर्फ्यू का यहाँ पर ऐलान तो कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में, तो क्या ऐसा माना जाए कि आने वाले दिनों में और सख्त पाबंदियां लग सकती हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए ओमिक्रॉन की जिस तरीके से दस्तक हो चुके, 350 से अधिक यहाँ पर केस आ चुके हैं, और विदेशों की अगर बात की जाए तो कई देश, 8 से अधिक देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर पूरे दिन का कर्फ्यू लगाया हुआ है। ऐसे में अगर दस्तक लगातार बढ़ती जा रही है तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए, भले ही विधानसभा चुनाव को क्यों ना कुछ दिन के लिए स्थगित करना पड़े, लेकिन माना ही जा रहा था कि फरवरी में कहीं ना कहीं लॉकडाउन लग सकता है, इस तरह की अफवाहें हैं। अगर इससे बचना है तो कम से कम इस चुनाव को स्थगित करके एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती करनी चाहिए, शासन को सख्ती करनी चाहिए, और जितने पब्लिक प्लेस हैं, स्कूल है, मार्केट है, बाजार है, उन पर कहीं ना कहीं एक लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंस हो या फिर जितनी संख्या होनी चाहिए लोगों की, उससे कम संख्या हो, आधी संख्या हो, उससे काम चलाया जाए पूर्व की तरह, तब तो कुछ हो सकता है, अन्यथा ये ओमिक्रॉन जिस तरीके से बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से ओमिक्रॉन को रोका जा सकता है, भले ही विदेश से आने वाले लोगों की टेस्टिंग की जाए, उनको चिन्हित किया जाए। बिल्कुल मनोहर, और इसीलिए देखिए यहाँ पर चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें या तमाम राज्यों की बात कर लें, वहां पर भी पाबंदियां इसी तरह से लगती आ रही है, यानी कि जो एक लॉकडाउन वाली बात थी और सुगबुगाहट जो है वो लॉकडाउन की कहीं होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बातें ये चल रही है, मतलब जानकारी इस तरह से मिल रही है कि फरवरी या फिर मार्च में लॉकडाउन भी देश में एक बार फिर से लग सकता है, अगर इसी रफ्तार से, इसी तेजी से लोगों की लापरवाही सामने आई और मामले बढ़ते गए, लॉकडाउन लगाने की बात जब फरवरी मार्च में बात की, बच्चों का जो स्कूल्स है उनका सेशन भी शुरू होना है, मार्च में शुरू हो जाता है, तमाम चीजें हैं, तमाम तैयारियां हो रही हैं, बावजूद इसके लॉकडाउन लगाने की केवल अफवाह है, अभी तक भी इसी प्रकार किसी प्रकार की सख्ती एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, शासन की तरफ से नहीं की गई है। हालांकि अगर शासन सख्त हो जाए तो शायद सारी चीजें दुरुस्त हो जाए, लेकिन चुनाव सर पर है, ऐसे में शासन भी अपने कहीं ना कहीं अपने कह सकते हैं अपने काम में लगा हुआ है, चूंकि इनको चुनाव भी लड़ना है, और लोकतंत्र के लोकतंत्र की बात का अगर की जाए तो लोकतंत्र में चुनाव होना जरूरी है, लेकिन इस तरीके की महामारी से बचने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त होना पड़ेगा, शासन को सख्त होना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है, इन रैलियों पर लगाम लगे और जो लोग बाहर निकलते हैं उन पर कहीं ना कहीं उनके लिए एक मानक बन जाए जो पूर्व में बनाया गया था, तो शायद कुछ हो सकता है। अगर ओमिक्रॉन की दस्तक होना शुरू हो गया तो शायद इसको रोक पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर ने हाहाकार मचाया उससे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को सबक लेना चाहिए। जी चलिए ठीक है मनोवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।